रवि हमारी यह सहज चर्चा का कार्यक्रम आज लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। जोगेश सिंह कैत का नमस्कार स्वीकार कीजिए। और आज के इस अंक में हमने बहुत ही विशिष्ट अतिथि को आमंत्रित किया है, जिनका नाम आप जानते ही हैं, विनोद स्वामी परलीका से, जो अपना एक चैनल भी चलाते हैं परलीका लाइव के नाम से। विद्वान व्यक्तित्व हैं और बहुत सारे पुरस्कार भी इन्होंने जीते हैं, मिले हैं, और बहुत अच्छी साहित्यिक सेवा में भी रुचि रखते हैं। इसके अलावा जो विशिष्टता है इनकी, वो है राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलवाने के लिए जो मुहिम शुरू की गई है, उसमें इनका विशेष योगदान और इनकी टीम का विशिष्ट योगदान रहा है। और इसी कारण से आज हमने कई दिनों तक इनसे निवेदन किया, आज हमारे साथ होने वाले हैं और उनके साथ हम इस विषय पर सहज चर्चा करेंगे। मैं उपस्थित हो गए हैं, मैं उनको जोड़ता हूं। विनोद स्वामी जी, परलीका लाइव से आप बोल रहे हैं, अभी शुरू करेंगे बोलना और आज आप हमारे निमंत्रण पर आप उपस्थित हुए, आपका बहुत 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 स्वागत है। और जैसा कि अभी मैं आपके बारे में छोटी सी चर्चा कर रहा था, विद्वान व्यक्तित्व हैं और बहुत सारी रचनाएं रची हैं, साहित्य प्रेमी हैं, और इसके साथ साथ क्या है कि विभिन्न आयोजनों में आपकी अहम भूमिका रहती है, मंचीय प्रोग्रामों में भी आपकी अहम भूमिका रहती है, और इसके साथ साथ एक तरह से कहा जाए कि आप और आपकी टीम और डॉक्टर सोनी जी हैं, वो और भी सारी आपके पूरा गांव जो है वो साहित्य सेवा में भी लगा हुआ है और बड़ा नाम कमाया है परलीका गांव ने आप सब लोगों के सहयोग से। और उसी सहयोग का फल है कि आज अग्रण श्रेणी में गिना जाता है राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलवाने के लिए आपका और आपकी टीम का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और लगातार निरंतर इस कार्यक्रम में आप रुचि ले रहे हैं। और मैं जोगा सिंह कैत सभी दर्शकों और श्रोताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि वो जल्दी से जल्दी जुड़े इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम आज चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम के अंदर बहुत सारे हमारे दर्शकों का ये रहा था, मन सुझाव रहा था कि राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए भी आप कोई कार्यक्रम पेश करें, तो इसके लिए आपने सहज चर्चा में अपना अमूल्य समय दिया है, इसके लिए मैं आपका अभिवादन करता हूं। और आपके जितने भी टीम के मेंबर हैं उन सबका नाम बहुत लंबे हैं, लिस्ट लंबी है, तो बीच बीच में आप उनका नाम बताते रहिए, जैसे जैसे सहयोग मिलता रहा कारवा आगे बढ़ता चला गया। कारवा कहाँ से शुरू हुआ, कैसे चला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और आगे आप इस समय किस मुकाम तक आप पहुंचे हैं, बीच में आपने कहाँ कहाँ क्या क्या सफलताएं प्राप्त की हैं, तो इन सब बातों के बारे में आप सहज चर्चा में सादर आमंत्रित हैं। और मैं आपका अभिवादन करता हूँ और स्वागत करता हूँ, आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। तो विनोद स्वामी जी परलीका से हमारे साथ उपस्थित हैं, तो आप और मैं सब दर्शकों की तरफ से आपका अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। और अब आप, मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, थे थारी बाणी छू माने कृतार्थ करो सा। सारों पहले तो ये कार्यक्रम ने सुनना रहे सारे दर्शकों ने मैं बहुत बहुत राम राम करूं। और बिंग बाद में मेरा सौभाग्य है कि मैं जोगा सिंह जी कैत साहब के सागे वो कार्यक्रम करने लाग रहे हूं, और ये कार्यक्रम ने ओम पारिक जिका मेरा बड़ा भाई पत्रकार रावत सर और जिके लोगांग सानिध्य में जिका सु में कलम लिखनो सीखो, बीकानेर आकाशवाणी सूरतगढ़ केंद्र का प्रमोद जी शर्मा भी कार्यक्रम में है,
प्रमोद जी शर्मा की एक किताब ही सड़क पर उतरेगा ताजमहल भी वो पाठक मंच हो या विमोचन हो पर लिखे मुझे तो मैं छोटो सो आ बात करीब 30-35 साल पहले की है। और भी दौरान में पीछे ही पीछे बैठे हो फुआरसी पढ़न लाग रही और बठू मेरी साहित्यिक यात्रा एक तरीके अवचेतन में शुरू हुआ है। सारा पहलपो जोगा सिंह जी थारे आज की पगड़ी और दाढ़ी गो ए धोली धोली हो गिर बिचाड़ा जी की काली और ऊपर धोली हो बहुत बढ़िया लगन लाग रही है। और जत्थे कार्यक्रम कोई भी आकाशवाणी हो चाहे राजेश चड्डा जी को मिट्टी दी खुशबू कार्यक्रम हो बने भी मैं ये बात खातिर याद करूं कि अब सेवानिवृत्त हो गया 3-4 उद्घोषक आकाशवाणी आज का बहुत महत्वपूर्ण लोग आ बड़ो नाम हो दूर तक जका की वजू आकाशवाणी की पिछाड़ी बा मैया आप भी जी को सहराई की कार्यक्रम प्रस्तुत करता और दूसरे कार्यक्रम में महाराज पत्र में भेजता और माने नाम ही इतनी उड़ीक रहती कि थारे जबान सुन मैं इया सुन लेता कि जोगा सिंह कैत मारो नाम बोलियो तो आ मारे जीवन को बहुत बड़ो पुरस्कार इनाम हो कठिन कठे यात्रा के मां आप बहुत बड़ो योगदान रहे जका मोग ई कार्यक्रम ने पूरे परिवार के सागे देखे और सुने न केवल राजस्थान बल्कि पूरे हिंदुस्तान और उत्तरी भारत के अलावा विदेशा में भी कार्यक्रम ने देखी जे तो मैं विदेशा में बैठे लोगों को भी जोगा सिंह जी कैत की तरफ से भी बहुत आभार करूं। ट्रेन में हूँ प्रमोद कुमार जी शर्मा बड़ा भाई ट्रेन में सुनन लाग रही है कार्यक्रम ने भाई साहब मैं चरण वंदन करूं और कार्यक्रम में आपका आशीर्वाद से बोलना शुरू करूं। असल में जी। राजस्थानी भाषा मान्यता आंदोलन ने ले गए पिछले 2-2.5 दशकों उत्तरी सिवाने सु अपाइया कवा के सूरतगढ़ और यानी गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले से आंदोलन ने एक नई ऊर्जा मिली है। विद्यार्थियों के बीच में राजनीतिक मंचा पर वो सिर्फ साहित्यकारों के बिचाले को इश्यू नहीं रह गए और जनता को इश्यू जो है वो बने हुए विद्यार्थियों को इश्यू बने हुए और इंगे मां अठे के इतने लोग काम करे हुए बड़े पैमाने पर चे वे करणीदान 12-13 किताब लिखे चे वे जनकराज पारिक हुए चे वे लोग डॉक्टर मंगत बादल हुए चे कुंवर चंद्र सिंह बिरकाली बीज रूप गए मां काव्य की रचना करे चे राव सरगा माकड़ साहब हुए चे ओम भाई साहब और वो दूसरा करीब दर्जनों पत्रकार और बिना सागे सागे ओम पुरोहित कागज जैसा लोग अनिल जांदू जैसा लोग और नई पीढ़ी के मां मेरे जैसा तो सैकड़ों लोग काम करना रहा है मां सब साथिया ने सैल्यूट है कि वे मातृभाषा की मान्यता के लिए और आकाशवाणी दूरदर्शन के अलावा छोटा मोटा समाचार पत्र भी पाक्षिक दैनिक और दैनिक भास्कर जैसे अखबार जो है वो कॉलम चलायो आओ गांव चले राजस्थान पत्रिका में जो कॉलम आन तो भी मैं नौर पंचायत समिति का करीब 150 गाँव आओ गांव चले लिखे तो भी मैं हर जगह उल्लेख करियो कहीं गाँव में मातृभाषा राजस्थानी बोली जाए और लैरलीज की जनसंख्या को जो आई गेड़े 11-10 सालों जो आप जनगणना करा बिंग मां पूरे राजस्थान का जो बीएलओ या काम करना रा जनगणना का साथी आ वहां भाषा के कॉलम में लाखों लोगों की मातृभाषा भरी वह सब लोग बहुत बहुत जो है वो प्रणाम करने योग्य है वंदनीय है जिका कलम सु साहित्यकार लिखियो हरेक विधा में न केवल कविता कहानी कथा और आधुनिक साहित्य में भी अनेक विधावां जिकी पूरी दुनिया की दूसरी भाषाओं में वह राजस्थानी में बड़ी समृद्ध होने लाग रही चाहे वो यात्रा वृतांत हो और चाहे वो शब्द चित्र हो और चाहे दूसरी कोई भी विधा हो। एक बारी फिर मैं जिका लोग ये कार्यक्रम ने सुनने लाग रहे हैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूँ। दिलीप कुमार जी शर्मा है या बज्जू में रहे पर लिक्का गाय और इनके अलावा और भी बहुत सारा मित्र जो है वो दिलीप मेरा बड़ा भाई है और मैं कई दिन तई जो है वो सागे पढ़िया खेलिया खूब जो है वो पर लिखा गया। मैं राजस्थानी मान्यता आंदोलन के बारे में मैं क्यों कर जुड़ी आ जानकारी दे रही हूँ। मेरा 77 के मां जन्म हो और बिंग बाद में 10वीं जब मैं करीब 1992 में जब तक मैंने राजस्थानी के बारे में की बेरो को नहीं हो मैं हिंदी में कविताओं लिखन लाग गयो और मेरो पहलो हिंदी कविता संग्रह 2003 के मां उदयपुर अकादमी आर्थिक से उसको आंगन देरी और दीवार नाम को छपियो बिंग बाद में प्रीत कमेरी और बिंग बाद में चालू है भाई छिया लड़की और अब मेरो यात्रा वृतांत आने लाग रहे जिसको 234 पेज के मां लहरले 22 साल में राजस्थान गए हनुमानगढ़ गंगानगर सीकर चूरू झुंझुनू नागौर बीकानेर करीब 3,500 गाँव वहां जिला को भ्रमण करियो और दूर तक जो है वो राजस्थानी कविता ने लेके गया गाँव में जो है वो एक संदर्भ केंद्र खोलियो जठू 10वीं बाद में 12वीं ले गए बीए एमए नेट स्लेट तक का बहुत सारे साथियों के सहयोग से जो है वो सिलेबस की चीज जो है वह तैयार हुई कथेसर जिसी पत्रिका राम स्वरूप किसान डॉक्टर सत्यनारायण सोनी के संपादन में निकली
जी गांव से निकलने वाली कोई पहली ऑनलाइन पत्रिका है जी विदेशा में मतलब लंदन ले गए और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश दलवीर भंडारी जी से लोग विमोचन करो और न केवल विमोचन करो बल्कि आज हजारों की संख्या में वह पत्रिका जी अपनी मानक पत्रिका है पदम मेहता जी ने संपादन के मां जोधपुर निकले अपने चनामी पत्रिका है जिकी पारस अरोड़ा निकालता बांगा बेटा गौतम अरोड़ा जोधपुर सु निकाले राजस्थानी गंगा जिकी किरण जी नाटा निकालता बा पत्रिका बांगा संपादक चेंज हो गया राजस्थली नाम की पत्रिका श्याम जी महर्षि जी को है वो अठे श्री डूंगरगढ़ सु निकाले ओलख नाम की पत्रिका भंवर कसाणा डीडवाणे सु निकाले रूड़ो राजस्थान नाम की पत्रिका भी निकली है अथाई अभी निकली है साथ ही चूरू सु जो है वो अनुसर्जन और दूसरी लेटांस पत्रिका जो है वो निकालने लग रहे इं ही राजस्थानी में माँ और भी बहुत सारी पत्र पत्रिका वहां है अपनी राजस्थानी साहित्य अकेडमी की जागृति ज्योत नाम की पत्रिका निकले बिणजारो नागराज शर्मा बिणजारो पिलाणी सु पत्रिका निकालने लग रहा है इं ही नैणसी जो है वो अंबू शर्मा लग रहे तो राजस्थान तो अच्छी बात है मैं गाँव गाँव जाके पत्रिकाओं का एड्रेस दिया है और लोगों ने कहे हुए कि थे थारी नेक कमाई में अपनी मातृभाषा राजस्थानी की पत्र पत्रिका भी मंगाओ और बिंगे सागे सागे खरुगे माँ मेरे में इन चीज को विकास किया हो जब मैं भाद्रुगढ़ नौकरी करतो 1995 की बात है और भी नौकरी के दौरान मैं जब गांव आतो तो हिंदी बोलतो खेत गए रस्ते गए माँ डॉक्टर सत्यनारायण सोनी बिन टाइम मना बताई कि राजस्थानी जी क्या घरे बोलना अपनी मातृभाषा है और राजस्थानी दुनिया में आज की तारीख में करीब 3,500 भाषाओं बोली जाए भी मैं राजस्थानी 6वें नंबर पर 16वें नंबर पर और भारत में जितनी भी भाषाओं बोली जाए भी मैं अपनी राजस्थानी 6वें नंबर पर वहां बतायो कि कोई भाषा ने बोलने खातर मेरा 4 बाट हुए साहित्य शब्दकोश व्याकरण इतिहास अंग दृष्टि से राजस्थानी बहुत समृद्ध भाषा है तो मन ने यहाँ लागो मैं बठे की नौकरी मतलब तंग भी आ गयो और वो यात्रा वृतांत में भी लिखियो है कि मैं क्यों तंग आ गयो मेरे कितो शोषण हो बठे ओखला फेस टू गए मां फिर भी वाड़ी गयो जयपुर में करीब 15 भांति की नौकरी खेली बटे करी सरकारी जुओ खेलो जो 0-9 नंबर तक की लॉटरी लागती 35 भांति की नौकरियां कर करा गए फिर राजस्थान पत्रिका से उनको 1999 में जुड़िया बी दौरान परलिके में संस्था को गठन हो सृष्टि साहित्यिक संस्था को गठन जब कई अठगा रचनाकार जिका आज प्रतिष्ठित है बांगो बड़ो डंको बाजे बां बड़ी किताबा लिखी है और किसान जी सतनारायण जी सब लोग जो है वो मिल गए एक संस्था बनाई मेरे से दामू बीबी महा बांगी भी कई किताबा आई है और बां लोग एक चर्चावा शुरू करी भी चर्चा गए मां भी टाइम सिर्फ और सिर्फ गमसाण नाम की जो पहलो कहानी सग रहे डॉक्टर सत्यनारायण सोनी को छपियो वो जो है वो एक राजस्थानी है और दूसरा कोई लिखा रहा राजस्थानी या कोनिया जबकि साफ साच बात है कि आज भी गांव गांव में जी हमारो विरोध करे बी खुद राम स्वरूप किसान ले गए भरतोड़ा तक और दूसरा लोग सारा विरोध दिया या इं कहता यार किसी भाषा यार हिंदी में लिखो स्थापित हो जाओ क्यों बिना मतलब वो एड्डी चक्के फंसी लो इन तरीके की बात तो विषय के मां सतनारायण सोनी करीब मतलब सतनारायण सोनी या तपस्या है वह दूरी है और बिंग ऊपर पूरा जो है वो परलिका आंदोलन टिको वो आदमी भी नींगो जो है वो मतलब पत्थर बनियो और बन धीरे 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 क्लासिंग कर गए और वहां लोगों ने इस स्टेज में ले कि राजस्थानी भी एक भाषा है फिर किसान जी युवड़ जी पीड़ नाम की पहली किताब लिखी बिना दो बड़ा प्रसिद्ध होया फिर जो है वो 1995-96 में माँ एक अठू आंदोलन जो है वो नोर से शुरू हो एक मोटरसाइकिल यात्रा जो है वो कलेक्टर ने ज्ञापन देने खातर हनुमानगढ़ गई गुरुदेव रविंद्र नाथ टैगोर को एक चौक बनेड़ो है नोर गेमा बठू जो है वो यात्रा हुई और भी यात्रा गेमा बादरा नोर और आसपास के गाँव का बहुत सारा रचनाकार साथी तो आया ही आया बिंगे सागे सागे शिक्षक साथियों को बहुत बड़ो योगदान हो और जका राजस्थानी भाषा का माइकिया और वे लोग कठिन कटे आपकी दुकान करता मिस्त्री को काम करता या कोई भी शो काम करता मगर वह राजस्थानी के प्रति बड़ा संवेदनशील है बां लोगों ने आज भी मैं एक एक आदमी ने दूं और बैठे बहुत सारी बां लोगों से पत्र पत्रिकाओं भी जावे हाँ मेरे बचपन की जी की है वह राजस्थानी मान्यता आंदोलन ने लेगी शुरुआत ही मगर 1999 में आता था बात एन अच्छी तरह समझ में आ गई कि राजस्थानी भी एक भाषा है भारतीय संविधान में 22 भाषा ने जिया मान्यता है
आजादी मिली जो 14 ने ही, फिर जो को है वो सिंधी ने दी 15 ने हुई, फिर नेपाली कोंकणी मणिपुरी ने दी 18 ने हुई, फिर बोडो संथाली डोगरी और मैथिली ने मान्यता दी 22 भाषा ने। मगर दुनिया ही राजस्थान में मां भी राजस्थानी भाषा ने मान्यता होनी चाहिए। इवड़व जी पीड़िका में कई दो सुनाऊंगा, पंडित ओम जी भारद्वाज साहब लिखण लाग रहे और परलिका गांव हम सब के लिए प्रेरणा देने वाला है। बनवारी जी सारण साहब और जका दूसरा लोग ये कार्यक्रम ने सुन लाग रहे, वो कार्यक्रम को नहीं है, अपने आप में एक बा शोध है, एक खोज है। और इनो श्रेय जो को आज मैं डॉक्टर जोगा सिंह जी कैथ साहब ने देऊं, ऐ मेरी कई बात इसी में बताऊंगा आगे आवेगी, जो कि यात्रा वृतांत में लिखेड़ी कोनी मेरी, एकदम मेरे दिमाग में अभी मस्तिष्क में आज हूं 25 साल पहले की बार रील चढ़ रही है, जब मैं बिल्कुल छोटो सो और लिखण गए मां जो है वो मेरी रुचि ही, और मैं राजस्थानी मान्यता आंदोलन बड़ी ऊर्जा के साथ धीरे धीरे जुड़न लाग रहे। बी टाइम शुरू गए मां ए लोग स्कूटर पर चढ़ के गया गाँव गाँव में, मां रामस्वरूप किसान भरतोड़ा और डॉक्टर सत्यनारायण सोनी तीनों जना और आता रो एक दत्तू रेडियो रखता या गांव में हेल्लो मार के लोगों ने बेड़ा करके और जानकारी दे के आता। फिर जो कहो थोड़ो सो पैटर्न बदलो और बिंगे बाद में मन्ने भी यहाँ सागे ले लियो और भी सागे गए मां मेरे गांव में हेल्ला मार के आता, प्याजिया बेचना रहा हेल्ला मारे बिया लोगों ने इकट्ठा करता, लोग कोतूहल बस भी बेड़ा हो जाता क्या बेटा प्याजिया बेचना आई करे और बेचना आई करे ए न्यारो इड़ो के ले गया है देखा वे फिर न्यारा न्यारा बाहर गम में माने लोग करता रोड़ा चुनकरिया पर के बच्चा है साहित्य कारगर लिख ठीक है। एक बारी कोई कार्यक्रम चालन लावी रे बंद करो बिंगे बाद गए मां फिर जो को है वो धीरे धीरे मैं मांग सागे रहे तो जो किसान जी आ रहा मैं दो आ गाना शुरू करया मैं बड़ी गंभीरता मांग सारा भाषण सुन वो किस्सो जो को है वो चालियो करीब अठ नजदीक के 50 एक गांव मोटा मोटी चालियो शुरू की आज की यात्रा स्कूटर पर। बिंगे बाद गए मां फिर मन्ने दो तीन काम करिया, दो तीन छोटी छोटी नौकरी करी, बिचारे बहादुरगढ़ सो उठ जो इन सिकर गिर में खराब हो गया। सत्यनारायण जी बोलिया तू तो गीत बढ़िया गावे यार, तू एक किताब छपा ले बटे लोगों ने दे गया स्कूला मुकाबला पहली किताब संस्करण मेरे गीत गुलशन को छपे वो हिंदी गए मां और बिन टाइम में कोई राजस्थानी संबंधी बात कौन करी वे 3000 किताबा मेरी तीन ही गांव में लाग गई। दूसरो संस्करण छपवायो जद बाए दी के एक पंथ दो काज, फिर मैं आदर जोग ओम पुरोहित जी कागज को एक आर्टिकल जो को भाषा विज्ञान पर लिखेड़ो बिंग मां बहुत संक्षिप्त भाषा विज्ञान संबंधी बहुत जानकारियां देड़ी बा मेरे भाषण को बीज रूप बोयो और बिंग बाद में आंगा सुनेड़ा जका भाषण आ उदाहरण आ कहावता ही वह मैं बच्चा ने जाके स्कूला में बता तो और भी किताब के बारे में बता तो जद मैं थोड़ो सो करीब 50 गांव में बा किताबा ने लेके घूम लियो तो मन ने यो लागो कि मैं बहुत बड़ो तीर मार लियो बहुत बड़ो काम कर दियो। मगर जब मैं हनुमानगढ़ जिलो पूरा कर लियो जब दिन मेरे मन में आई कि यार राजस्थान बहुत बड़ो विनोद स्वामी पूरी जिंदगी में कोई तो मैं मेरी रफ्तार बढ़ा दी और मेरा सारा काम छोड़ गए और मैं शिविरा पंचांग हिसाब हूँ 2001 के बाद में निरंतर जो है वो राजस्थानी मान्यता आंदोलन ने ले गए शहरा में गाँव में कस्बा में गयो और बठे गांव गांव में जका मेरे सामने फोड़ा पड़िया, गांव गांव में जका मन अच्छा लोग मिलिया, गांव गांव में मने रुकण खातर सराय धर्मशाला मिली बस अड्डा पर और कट्ठे क्योंकि भी किताबां बार भी हों तो बिने लेके मैं वो यात्रा वृतांत लिखे है जिके की मैं एक एक किस्त मेरो एक यूट्यूब पर चैनल है परलिका लाइव नाम से भी मैं आने वाली किस्ता में एक एक घटना ने प्रसारित करूंगा जिको भी बेरो पड़े के बठे के गाँव के लोगों की राजस्थानी मान्यता आंदोलन ने लेके केस समझी और इन बात ने लोग कितनी गंभीरता होगी। बिंग बाद में छात्र संगठन नांगे सागे आपा काम करनो शुरू करियो SFI वैसे दूसरा संगठन है और गावांगे मां जठे सरकार 70 साल में बिजली पानी कौन पुगा पाई बठे आपा साहित्यिक पुस्तका लेके गया राजस्थानी की पत्र पत्रिका लेके गया बांगा ग्राहक बना के आया और लोगां ने आ चीज समझ करी दो दशकां गे मां मैं आ बात दावे के सागे कह सकूं के मारो गांव गांव में हर लोग अभी लाइट गई ये बात खतर चाड़नो कम है मारो हर गांव में विरोध होन तो वे लोग समर्थन में आ गया वहां लोगों के समझ में आई। मगर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना रहे यूथ गए विद्यार्थी गए राजस्थान गए अब तीन समझ में पहुंच जाए आज मैं कार्यक्रम गए मार्फत राजस्थान गए मां जक्का छोरा कोई भी तरीके के कंपटीशन की तैयारी करे वहां लोगों ने संदेश देना चाहूं
भारत के सारे प्रांतों को गठन भाषा का आधार पर हो। आज मैं डबल एम ए बीजेएमसी नेट हूँ। मैं गुजरात में जागे, केरल में जागे, दूसरे कोई भी प्रांत में जागे, राज्य स्तरीय सरकारी सेवा को आवेदन करूं तो मैंने नौकरी कौन मिले। मन्ने बठू बाउंडो पकड़े टिपा दे तू बस भाषा सीख्या ठेकी प्रांत की फिर तन नौकरी जाना। राजस्थान में खुली हाँ। छूट है का जो नौकरी लग जो बिंगी वजू 100 या 65 कर्मचारी अदर स्टेट से हुए। मगर इनको मतलब कठियो को नहीं कहे आ बात कह गए मैं कठी भाषा वाद गए मार्फत प्रांतीयता की भावना ने भड़काव दे रहा हूँ या दूसरी भाषाओं को विरोध कर रहा हूँ वो मेरो कतई मतलब को नहीं। मेरो मानना है कि दुनिया के मां जिको आदमी जितनी ज्यादा भाषा सीखेगा वो भी तो मोटो विद्वान हो सी। आपने ज्यादा से ज्यादा भाषा सीखनी चाहिए। आप अंतरराष्ट्रीय मंच पर बैठा हुआ तो आपने बहुत बढ़िया अंग्रेजी आनी चाहिए। अपनी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी है, हिंदी को अपन सम्मान करना चाहिए। मगर जिको आदमी आपकी मां ने पानी को लोटो नहीं जला सके वो मौसी की सेवा कभी कौन कर सके। हे जे हमारी मातृभाषा के प्रति समर्पित नहीं हो तो दुनिया थाने कभी सम्मान की दृष्टि कौन देख सके। दुनिया में आज तक जितना भी साहित्यकार दार्शनिक संत फकीर महात्मा वैज्ञानिक बड़ी हस्तियां जिकी हुई है वह आपकी माँ बोली नहीं लेगी मोटी और भाषा बा मोटी होती वह जिकी आप स्कूल में तड़ा खा के सीखा। भाषा बा मोटी वह जिकी बहुत कम शब्द हम बड़ी बात कह दे। मैं स्कूल में उदाहरण भी दिया एक उदाहरण सारो मोटो राम स्वरूप किसान वो भाषण ऐसे ही मायने में वह हरेक गाँव में माँ मौलिक बोलता और इतो मौलिक बोलता कि दूसरे गाँव में फिर दूसरो एक बंग साथी भरजी बे बंग वाई गेड़े मारो पहली रिपीट कर देता किसान जी तीसरे गाँव में फिर आप मौलिक बात ले आता बंगी भी मौलिकता वांग पूरो में जो है वो मतलब बिलोणो बिलोगे भी मैं जो चूंटियों काट दियो नहीं वो आधी घंटा को काट दियो जो मैं राजस्थान के स्कूल स्कूल में जाके बता गया। मैं चीज आ कहनी चाहूँ विनोद जी स्वामी का श्री राम है राम राम जी सारा लोग मैं आ बात कहनी चाहूँ कि जब आ यात्रा शुरू करी तो विंग मां उत्तरी शिवाणे को जो बीकानेर संभाग हो बीकानेर संभाग बिया काफी समृद्ध हो पहली हूँ भी और बिंग सागे सागे राजस्थानी वो इमायती भी अलग तरीके हो रहे हो। मगर दुर्भाग्य है कि आज भी राजस्थानी ने मान्यता को नहीं अभी जिक्के तरीको विद्यार्थी तैयारी करने लाग रहे हैं। आ बात मैं पूरी करना चाहूँ आपने अठे गर्गो खेत को काम करके टाबर और बहुत दो 65% नंबर लिया हुआ बहुत हुए 12 को फर्जी डिग्री आ गए 95% और नौकरी लग जावे और अपना टाबर हाथ झड़का के रह जाए। अगर जे आज की तारीख में राजस्थानी मान्यता मिले तो राजस्थान में एक स्कूल गए मां एक राजस्थानी को अध्यापक चाहिए तो अंदाजो लगा सको किता सिर्फ शिक्षा विभाग में लागे बिंग अलावा दूसरे राज्य में अपना कोटा जी और राज्य के कोटा के तहत अपना हठ लागण लागे तो कितो मोटो फायदो मिले। तो एक चीज मैं गुजारिश करूँ वो आंदोलन वहां लोगों ने जरूर लड़ना चाहिए जिका 12वीं लेगे BA MA नेट राजस्थानी के मत वह सिर्फ एकला ही अगर जिस आंदोलन ने लड़े तो सिरे चढ़ा दे। मगर दुर्भाग्य है राजस्थान को आ वीरां की भूमि त्याग बलिदान और शौर्य की भूमि जिठा महाराणा प्रताप जिसा लोग दुर्गादास जिसा लोग अठे बापन्ना दाए माँ पैदा हुई जिसकी दुनिया में आज तक इकट्ठी को नहीं हुई जाम्बो जी पैदा हुए कितने संतां का नाम गिनाऊं कितने वीरां का नाम गिनाऊं बंग इतनी नपुंसक औलाद जाम जाएगी कि भाई आपके ही आंगणे में आपकी भाषा की बेकदरी कर सी। जाम्बो जी जिसकी बात कही आज पूरी दुनिया में जिसकी 5 मुख्य पावर है जिसकी विट्टो पावर है वे एक दूसरे के सागे आणविक युद्ध हथियार लड़न ला गई है कट्टन बढ़न के लिए तैयार है मगर वे भी पर्यावरण के मुद्दे पर आगे एक हुआ है। जम्बो जी आज 350 साल पहली आपत्ति के एक शीश के सट्टे एक भूख है वह तो ही सौदो सस्तो जान जा आप कितना एडवांस है भी भाषा ने मान्यता क्यों कर एक बहुत बड़ो सवाल है। साहित्य शब्द को व्याकरण और इतिहास की दृष्टि से जकी भाषा दुनिया में मां इड्डो ऊंचो स्थान रखे के अमरीका के अलावा वो दुनिया भी ने जो है वो मतलब सलाम करे जकी भाषा के मां दुनिया को सारा मोटो शब्द कोश हो जकी भाषा के ऊपर कोई राज भाषा की जितनी है वो महल खड़े कर दियो जावे नीम में देगी पूरा को पूरा आदिकाल मध्यकाल हाथों निकाल हिंदी को पढ़ के देखोगा तो आदिकाल सारा को सारो राजस्थानी बोला जाएगा। फिर आप भ्रांति और इन भ्रांति में 70 साल गए माँ सरकार जकी है मैं इन कार्यक्रम के मार्फत सरकार ने भी सावचेत करना चाहूँ मैंने काल बहुत तकड़ी खुशी हुई है मेरे वकील मित्र एक बात कही विनोद आगे छात्र संघ का चुनाव आने लग रहे मैं
राजस्थान यूनिवर्सिटी के माई की छह साथी ने खड़े करने लाग रहे हूं जबको राजस्थानी इशू पर चुनाव लड़ रहा। अगर कोई साथी कोई भी यूनिवर्सिटी को साथी राजस्थानी ने इशू बना के चुनाव लड़े और कोई भी छात्र संगठन और राजनीतिक संगठन राजस्थानी की संवैधानिक मान्यता ने लेके अगर जे आगे आवे तो विनोद स्वामी वांगो फ्री में प्रचार करने के लिए तैयार है। ठीक है, हालांकि यह बात कार्यक्रम संबंधित को नहीं मानू मैं, मगर फिर भी मैं इन्हें पंपलेट बना रही हूँ क्योंकि बहुत लाजमी है। मातृभाषा के आंदोलन ने और ज्यादा सक्रिय बनाने खातर एन कालजे में खोद मारण खातर और जका लोग हिंदी में बावड़ा होया फिर अंग्रेजी के में बावड़ा होया फिर जका लोगों ने इं लग गया कि बादशाह जे टाबरा ने कूट कूट के जे स्कूला में हिंदी अंग्रेजी सिखा दी तो मैं अंग्रेज हो जाऊँ, वहां लोगों की चुंदी खुले। हरी व्यापार की भाषा में दक्षिणी भारत के मां गयो 14-14 पीढ़िया लोग बैठे रहे नागोरगा है ओरगा दूसरी गांव का बाणिया घरे गए हो तो आपने ताजू बोझ सी के भाई 13 पीढ़ी बैठे रहने लग रहे हैं मगर आंगणे में बोले जी यहाँ लगे नागोरगा दूसरी गांव में बैठा वहां ने बेरो है बाकी व्यापारी भाषा तेलुगु तमिल कन्नड़ इंग्लिश है वहां लोगों को दक्षिणी भारत की सारी भाषा पर कमांड है बट आंगणे में आपकी भाषा कौन मरण दी जिक्का आदमी आपके आंगणे में आपकी भाषा मारिए भी मोटो कोई कतली को नहीं हो सकती। महात्मा गांधी भाषा के खतरे एक छोटी सी किताब लिखी लहरले दिना कलेक्टर जितेंद्र सोनी जो आजकल अलवर का कलेक्टर है साहित्यकार है रणखार नाम की किताब लिखी वहां और कई भी किताब लिखी है आधुनिक साहित्य में बड़ो नाम है बांगो तो वहां एक किताब जो की है बापू किताब को अनुवाद करी हुए और वहां अनुवाद के मां बात कही है महात्मा गांधी आ कहो कि कोई भी बच्चे ने भी प्राइमरी एजुकेशन भी माँ बोली में नहीं देने को मतलब है भी बच्चे ने आप आत्महत्या खातर प्रेरित करने लाग रहे हैं। राजस्थान की सरकार विभाग से और सारे सिस्टम से जका लोग सत्तासीन है आज की तारीख में वे लोग जो को वही बात ने सुनने लाग रहे हैं तो बाकन कोई जवाब है। सेठिया जी जैसा लोग पूरी दुनिया में चंद्र सिंह बिरकाली पढ़ाई जावे पूरी दुनिया जकी भाषा की कदर करे जकी भाषा को कोई सानी को नहीं कोई भी भाषा का जका मानदंड हुआ बिंग मां अपनी भाषा सर्वश्रेष्ठ भाषाओं में एक है दिंगे बावजूद भी जिको है वो राजनीतिक उदासीनता ही सीखे हो। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री अजीत जोगी बनया कांग्रेस का प्रवक्ता है वे टाइम और वहां आपके इच्छा शक्ति पे वो प्रस्ताव ले गया। छत्तीसगढ़ में बहुत कम किताब आए कोई भी भाषा छोटी भी कोनी है हरेक भाषा बड्डी है दुनिया में मां किसान जी अवार भाषा के एक राइटर रसूल हमजा तो उदाहरण देख रहे मेरा दागिस्तान नाम का दो बांगा चपेड़ा है वे कहे कि दुनिया की सारा मिठी किताबांग है मां एक किताब है मेरा दागिस्तान। मेरा दागिस्तान की भाषा है वह चार पहाड़ी गांव की भाषा है दिखे बावजूद भी वह पूरी दुनिया में ट्रांसलेट तो ई मायने में भाषा बात तकड़ी हुए जिकी कम शब्दा में बहुत बड़ी बात कह दे। अब थारे घरे दीणो के चीज गएंगे थे हिंदी के मां अगर बोलना चाहो तो इतो लंबो बोलनो पड़ो का आपके घर में कोई गाय भैंस भेड़ बकरी पशु दूध देता है कि नहीं देता है दीणा री बार एकदम आई को नहीं। ठीक है अभी स्कूलांग मां यौन शिक्षा की मतलब बात कहने लग रही है भाई मैं जो है वो देवा टाबरा ने जानकारी देवा मेरे घरे मेरे चार बहना है मेरो मार बाबो और मैं सारा कुंवारी बहन सारा बैठा हुआ पहली पोत आता ही जो है वो समचार बाबो बेटी ने पूछे या माँ बेटी ने पूछे वो पूछे कि बेटा दीनों दानों के चीज को है जब बाप बतावेगी कि माँ एक तो बात लगी और एक जो है वो अभी कामल हो ही है और बाग 3-4 महीना हो गया कह दो बारी फुगी और बिंगे तो जो वो तार सा देने लगी वह सारी बात आ राजस्थानी की पावर है आ कोई भी लोक भाषा की पावर हो कि वह सारी बात जो की हिंदी में कोनी करी जा सके और सहजता हूं जो वो सारो परिवार बैठकर सारी बात जो की वह होने लग रही है यूं मोटी यौन शिक्षा के बारे में जानकारी देने को के जो वो तजर्बो हो सके। आज राजस्थान की सरकार और पिछेत्रुओं जो को अमृत उत्सव मनाने लग रही है केंद्र सरकार हाँ दोनों मिल गए जो को है वो 10-14 करोड़ लोगों की जबान काटी है और इतनो बड़ो अत्याचार और अन्याय है कि इनको कोई दुनिया की सभ्यताओं में इतनी सभ्यताओं ले गए मेसोपोटामिया बेबीलोनिया हड़प्पाकालीन सभ्यताओं में भी इं को नहीं हो शायद जिको राजस्थान के लोगों ने चुंदी लगाई है और राजस्थानी लोगों के साथ अन्याय हो वो कार्यक्रम में करण लाग रही हूँ तो मेरे आ बात कहता कहता खुद गई रूम कंटा खड़िया हुआ है करण करण होने लग रही है और जिके लोगों के करण करण ना हुए बने मेरा और कार्यक्रम देखना चाहिए
क्योंकि ई बात ने लेगे ओम पुरोहित कागज एक बहुत प्यारी किताब लिखी मारी जबान रो खोलो तालो राजस्थानी ने मान्यता मारी जबान आलो क्यों यहाँ करके दिंगे माबा भाषा के वे बोली के वे राजस्थानी की कितनी बोलियां है हरेक भाषा की मां बोली गिनाई है सुनीति कुमार चाटुजिया एलपी टेसिटोरी नामवर सिंह इंडियन एंटीक्विटीज की बात करी है दूसरी किताबा की बात करी है दुनिया भर के भाषा विदा की बात करी है वहां भी मैं कहे हुए है कि नेपाली की 6 बोली है कन्नड़ की 22 बोली है तेलुगु की 32 बोली है मराठी की 65 बोली है अपनी पंजाबी की लहंदा सहराई की भटियाणी मांझी द्वाबी 28 बोली है मांझी पर भी वो मानक रूप निर्धारित हुए अपनी हिंदी की बहुत बोलियां गिनाई है वहां हिंदी को वहां उदाहरण दी हुए जगह जगह कहते हैं 10वीं हिंदी की किताब पढ़ो जिनमें मीरा को पद लागे मीरा कहे कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ने कोई जाके सिर मोर मुकट मेरा पति सोई दिखा दे भारत रा लोग हिंदी रो सम्मान को नहीं करे बारे कठे अड्डे को नहीं लागी मान्यता बिल्कुल आ बनी को नहीं राजभाषा है राष्ट्रभाषा कौन बनी और आपा हिंदी विरोधी को नहीं राजस्थान नंगे लोग तो आपकी मां ने मार के मोसिन बीज ने बिठाई अपनी परंपरा है आपने विरासत में मिली आ चीज त्याग और बलिदान और शौर्य गज का उदाहरण पूरी दुनिया में कठी को नहीं मिले भाई राजस्थान के मान मिले अपन गुमेज है बात को जी को वो होना चाहिए मगर इनको मतलब वो भी कोनी ऊपर कर को वो गिल्डी फेर दे इन बात खतर राजस्थान का जनप्रतिनिधि सारी राजनीतिक पार्टियां सारा जातिगत संगठन सारा एनजीओ सारा शिक्षण संस्था से जुड़ेड़ा लोग सारा पत्रकार साहित्यकार बुद्धिजीवी तथा कथित डेढ़ सियाणा पढ़िया लिखा लोग जका आपके घर गे ये से है वैसे है पैसे है मतलब यहाँ कर करके बच्चा ने जिको काटन लागे वे लोग समझेगा कि यार थे गरे ही थारी भाषा कौन सिखाओ तो बच्चे ने थे एक भाषा की तो कत्ल करने लाग रहा हो कोई टाबर ने अगर जे थे दूसरे देश के मां एक भाषा सीखने खातर भेजो तो थाने बेरोजगारी पर कितो रिपियो लागे और कितो मतलब और श्रम खर्च हो यार कितनी रिस्क हम भी सागे जुड़े थे घरे बैठे ही एक ने कत्ल करने लागे बड़ी अजीब स्थिति है मीरा 10वीं की किताब में कहे कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई जाके सुर सिर मोर मुकट मेरा पति सो हिंदी की भी 43-36 बोलियां मांगे आई राजस्थानी की भी मेवाती मारवाड़ी ढूंढाड़ी हड़ोती वागड़ी खाना देसी है बहुत बोलियां जो है वो भाषा विदान जो है वो गिनाई आप बूढ़िया कनी आ भी सुनिए 4 कोस पर बाणी 5 कोस पर पानी बदल जाए एक के गाँव की बोलियां का न्यारा न्यारा उदाहरण मिल जाएगा व्यक्ति बोली वो सारा मोटो तकिया कलाम हो उदाहरण कोई आदमी को तकिया कलाम हो बात बात के राजनीति की बात डांगर कर सीखे तो क्यों भाई राजनीति की बात क्यों को नहीं कर सके कोई आदमी क्यों कौन कर सके तो असल के माँ सब लोग बहुत विद्वान लोग ही कार्यक्रम में आने लाग रहे मैं बांगो स्वागत सत्कार करूँ और मन्ने बेरो को नहीं के ओ कार्यक्रम आज तक किता लोग देखा अभी कितना लोग देखने लग रहे हैं मेरे सामने शो को नहीं होने लग रहे हो मगर इस कार्यक्रम ने 150 का करीब जका 150 साथी कार्यक्रम ने देखने लग रहे हैं बांसू मैं गुजारिश करूंगा कि भाई राजस्थान के लोग रहना रहा है न केवल राजस्थान का भाई कोई भी भाषी लोग है वह मेरी मातृभाषा के सम्मान के मामले सपोर्ट खातर कार्यक्रम ने इतने ग्रुपा में इतने लोगों के साथ शेयर करेगा क्या बात जो है वो हरेक भी आदमी ती पूगनी चाहिए जो को अब तक यहाँ लिए बैठे होगा तो थोड़ी थोड़ी दूर पर बदल जाए हुआ यार अरे कट्ठे को नहीं बदले यार पंजाबी के मत थे बताओ पंजाबी को अमृतसर रहा बोर गए पंजाबी ने एक जगह खड़े कर दिया तो आंच लिखता कि वो जो घना टप्पा कौन समझ पाओ पंजाबी की जो को वो 28 बोलियां जो को वो न्यारी न्यारी गिनाई है और बिंग सागे सागे राजस्थान को तो बहुत बड़ो भूभाग मैं एक बार फिर जिसमें बैठा हूँ इया करता 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 गांव गांव गया पत्र पत्रिकाओं जुड़िया लोगों मिलिया बिंगे सागे सागे कारवां जिको है वो बनतो गयो नई पीढ़ी का लोग नई तकनीक के सागे जुड़ता गया जक्के दिन पहली पोत यू अपना जो को लाइव कार्यक्रम करने लग रहा फेसबुक के ऊपर पहले दिन लाइव आयो 20 लेकर आज तक 5-6 साल में कोई शो दिन कौन गयो जक्के दिन में परलिका लाइव टेलीकास्ट के कार्यक्रम में रोज परलिका हूं भाषा विज्ञान संबंधी राजस्थानी भाषा मान्यता आंदोलन संबंधी राजस्थानी अच्छी कविता गीत गजल ने ले गए और राजस्थानी का जो पुरोधा लोग आ निर्माता लोग आ आधुनिक लोग आ माने एक एक आदमी ने ले गए कार्यक्रम ने कर मगर मेरो भी दुर्भाग्य है कि वो काम जो कोई और नकली आदमी करी जान तो या अकेडमिक तौर पर जो आशीर्वाद देने वाला लोग बैठे है या जका लोग जो है वो स्थापित करने वाला लोग बैठे है बंगा चेला चपटा वो काम करी जानता तो गिनीज बुक में दर्ज हो जानता नाम
मगर वो विनोद शमी की है, एक कोई संपादक आज तक मेरे पर दो लाइन कौन लिखी, आप पीड़ा भी, आप पीड़ा है साहब, और आप पीड़ा ही कार्यक्रम ने कह इतनी बात खातर जो है वो मेरा आंखें आंसू आवे, मैं लहरे रोन लाग रही हूं, मैं रोन लाग रही हूं वाकई जी को है वो। मगर दुनिया भर को जो लिटरेचर पढ़े हो वो आ पावर दे, आ ताकत दे, वे आ शक्ति दे, वे कि ना यार आप अपनो काम लाग रहे हैं और लोग जो है वो आप वो काम लाग रहे। तो यहां से यात्रा चलती रही और कार्यक्रम में चल लेना होगी 35-40 मिनट। माँ माँ बीमार है, मन्ने मेरी घरारिये भी है, लो मार के गई और बा इया कह के गई कि थे हट्ठी बैठे हो शायद, गोली कौन ली होगी या रोटी कौन खाई होगी, 19 महीना हूँ माँ बीमार है, कर नहीं सो, 3 बारी रात में बटन में पेशाब करवा हूँ। माँ मेरी बहुत बड़ी कलाकार है, माँ मेरी अनपढ़ जरूर है, मगर मेरी माँ जिको है वो जिक्के तरीके मैंने पूरी देश और दुनिया की कहानियां बताई है। मेरी माँ मेरे में बोले, मेरी कविता शीर्षक दोनों जिकी चालू है भाई छियां लड़गी, और बिंग अलावा मेरे कहानी संग्रह भी जो आओ वो भी मैं मेरे माँ और बाप का स्टेटमेंट है जो सारी मेरी कविता है। ये बात खातर ये कार्यक्रम ने आज तो अठी छोड़ना, एक किस्ता पा और करांगा कि अब जो को कार्यक्रम राजस्थानी मान्यता आंदोलन को जो कार्यक्रम है इन आप नए तरीकों जो वो लोगों तक ऊपर ले गए। मैं चाहे को नहीं हो कि मैं वो कार्यक्रम छोड़ के जाऊं, मगर बावड़े सी कुआड़ खोल के दो बारी झांक के देख के उठ की मैं घरे पीसा कौन कमाऊं, उसके फेंकवाण कोई खल्लो ही आ जा, मतलब अठे कोई रण सिंह हो उसके या कोई थे बाल बाड़ा है रेकी दम कोई चंपल आगे पड़े इसी बात ना हो तो बड़ी है, तो थे मैंने मतलब आज बख्श होगा इसी उम्मीद करूं। आप एक कार्यक्रम ही ने ले गए और करांगा ठीक है, बिंग मापा साहित्य शब्दकोश व्याकरण और इतिहास राजस्थानी मान्यता के लिए आप गाँव गाँव में बैठा के कर सका, घर में बैठ के कर सका, राजस्थानी जी की फिल्म है कॉमेडी है जिसका कलाकार साथी आज की तारीख में जिया के किंगा किंगा नाम लियो राजियो रबियो जिके तरीकों काम करने लाग रहे, जिके तरीकों भाई बनवारी काम करने लाग रहे, आजकल तो नया नया छोरा राजस्थानी में इतो काम करने लाग रहे, सैल्यूट करूं मैं सारे साथियों ने जिका कॉमेडी के मार्फत राजस्थानी ने पुनर्जीवित करी है फोन के ऊपर, वे लोग ख्याली सारणू बोले और मुरारी पारिक ताई वे सारा लोग कलाकार जो है वो कठे एक जाजम पर बैठ के यहाँ बतलावे कि थाने बड़ा थे कलाकार बनोगा आने वाले टाइम में थाने फिल्मों को टैक्स नहीं देना पड़े, थारी जो की कलाकारी है वह बड़े पर्दे के ऊपर आवे, पूरी दुनिया में हमारा राजस्थानी को मान हो जिया और बात सावांगे बीए ही जो है वो कोई एक जाजम पर बैठ के फिर राज सत्ता में बैठे लोगों ने अपना मजबूर करा, आने वाली टाइम में भी जनगणना हो सी भी मैं बादशाह को एक कॉलम हो सी भी बादशाह के कॉलम में हर आदमी जिको लिखण खातर जावे जिके आदमी की सरकारी ड्यूटी हुए वो आदमी तो भाषा के कॉलम में राजस्थानी लिखे और लिखाना लोग भी राजस्थानी लिखे, कई लोग बोली को नाम लिखावे जी मेवाती मारवाड़ी ढूंढाड़ी हड़ौती वागड़ी तो बिया ना लिखा ठीक है, मेरा एक खास अनुरोध है कि भाई सब लोग राजस्थानी लिखावे, राजस्थानी के मान सम्मान के मां गाँव गाँव बे घूमया हाँ अखबारा में जो है वो बहुत लोग बहुत गजब गजब का आर्टिकल लिखा है, बड़ा विद्वान साथियां काम करे हुए पूरी उम्र खपा दी, अभी ई फिजा के माँ ई बोलती भगत में महसूस करूं कि अठे जो है वो राजस्थानी की मान्यता के खातर बिलखता बिलखता जो है वो बहुत रचनाकार मर गया, बाकी सारा ही जो है वो आशीर्वाद का हाथ अपने सब लोग पर है जने ए लोग आगे लड़ाका बनिए जावेगा, और मैं उम्मीद भी करूँ कभी सेना में अगले पास का सिपाही जो है वो आप हर तरीके की अपनी कमाई में खर्च करके पत्र पत्रिका भी आप मंगवानी सीखा, आपनो जरूरी काम छोड़ के आप जलसा में भी जावा, आपने गांव में कोई भी जनप्रतिनिधि आवे वो वोट राजस्थानी में मांगे और भाषण देती भगत वो हिंदी बोले तो बिंग माइक पकड़ा और बिंग बाद में फिर आप बात कवा कि जिकी भाषा में तू वोट मांगी है भी भाषा में तू अठे मारी बहस कर, कोई भी जो जज बैठे है वो अपने फैसलो देने लग रही है वो हिंदी और अंग्रेजी में देने लग रही है, जो को अपराधी है भी नहीं बेरो कोनी के तेरे मुद्दे पर बात होने लग रही है, मोटो कोई दुर्भाग्य कोनी उसको जो को टाबर आपकी माँ को दूध पीन तो आंगणे गा मां स्कूल जान सू पहली हजारों हजार शब्दों को एक चित्र बना दे आपकी मस्तिष्क गे मां वो जो वो कौ समझे ही कोनी कागलो कहें ताई बात समझ मार जाए, वहां टाबरा की प्राइमरी शिक्षा जो की है वह मातृभाषा में होनी चाहिए। आज राजस्थान गए 14 करोड़ भाषा भाषी लोगों ने जिका न केवल राजस्थान गए मां बल्कि सिंध प्रांत पाकिस्तान में भी बैठे है, अबोर फाजिलका पंजाब में भी बैठे है और
फिर सा हिसारू ले गयो सोनीपत पानीपत तक जो है वो राजस्थान का लोग हरियाणा में बैठे है, मालवा अंचल पूरो मध्य प्रदेश को झाबुआ रतलाम झांसी इंदौर लेके भोपाल तक प्रहलाद टिप्पाणिया में भजन सुनिया कबीर भजन वे लोग बैठे गुजरात को सीमांचल कक्ष आदो जुको है वो बठे को जुको और बहुत सारी राजनीतिक सीमांकन और सांस्कृतिक सीमांकन दोनों न्यारी न्यारी चीज है वे सब लोग वही भाषा को जुको अपमान होने लग रहे वे लोग जुको है वो जागेगा आपकी माँ बोली की कदर करनो सीखेगा और राज सत्ता जो है वो बिल मजबूर करेगा पढ़नारा लोग खास करके जो जकांगो नौकरी जिकी है राजस्थानी भाषा की मान्यता सुन जुबेड़ी है। मैं एक बार फिर दोहराऊं मैं आज डबल एम ए बीजेएमसी नेट हूँ, मैं गुजरात महाराष्ट्र दूसरे कोई प्रांत में जाके राज्य स्तरीय सरकारी सेवा को आवेदन करूँ तो मैंने नौकरी को मिले क्योंकि मैंने बैठे मेरी अंक दसवीं अंक तालिका में बैठे की प्रांतीय भाषा आनी चाहिए। आपने राजस्थान में खुली छूट है काजे और लाग जाओ अठे 5,000 की वैकेंसी आओ बड़े 25,00,000 फार्मी बात खातरी भरी जाए आप पर लाजर का गिर हजार 12 का लाग जाए एक के डिग्री पर आगे 13-13 फर्जी आदमी नौकरी लाग रहे बांगी कुण जुको है वो जांच करे और अपनी राजनीति करना रा लोग 90% हिस्से है वे को की को नहीं रहे वे लोग वे असल गेमा में ले रहे एक टप्पो यूज करो जिंदा लाश है वे लोग बादशाह जिसे इश्यू पर सेंसिटिव को नहीं संवेदनशील को नहीं कतई वे लोग के जनता की बात सुनेगा के राज की बात और के वे लोगों की समस्याओं हल करेगा। ठीक है दूर में लठिए ही लागे सुनने में लागण लाग रहे ईशो जनतंत्र भी कोई काम को नहीं हो जैठे राजभाषा आपकी मातृभाषा की सुरक्षा कोई बंदोबस्त ना तो मन चालना पड़ेगा एक घंटा को कार्यक्रम पूर्ण घंटा हो। बहुत बहुत आपका मैं आभारी हूँ। जैसे आपने कई राजस्थानी पत्र पत्रिकाओं का जिक्र किया था तो उसमें मेरी भी पंजाबी भाषी हूँ लेकिन राजस्थानी की मेरी कई रचनाएं छपी हैं इन बड़ी पत्रिकाओं में और अपने बीकानेर जो राजस्थानी साहित्य एकेडमी है उसने भी मेरी पुस्तक छापी थी पलकों नाम से जो राजस्थानी के छोटी छोटी कविताएं की थी तो थोड़ा सा योगदान मेरा भी हो गया था इसमें। और जब जयपुर के अंदर एजिटेशन की गई थी यहाँ से सब लोग गए थे बस भर भर के गए थे तो उसमें भी मेरे को जाने का अवसर मिला था तो जहां भी बैठे हैं आपके पास बिल्कुल सही है आप हर तरह से सहयोग कर सकते हैं जैसे हम भी ये कार्यक्रम करके भी तो एक तरह से मेरा एक छोटा सा सहयोगी माना जाए तो इसमें क्या है कि निश्चित रूप से क्या है कि बात जब निकलती है तो दूर तक जाती है। एक साथ ही एक बात कही है लिपि की राजस्थानी में लिपि की कठी कोई लड़ाई को नहीं आज की तारीख में आपकी संस्कृत भाषा की देवनागरी लिपि है हिंदी की देवनागरी लिपि है मैथिली ने भी मान्यता मिली है मैथिली देवनागरी लिपि है हिंदुस्तान के मां 22 भाषा ने संवैधानिक मान्यता दी मियां 7 भाषा की लिपि देवनागरी है लिपि की कठी कोई लड़ाई को नहीं हालांकि राजस्थानी की पहली मोडिया लिपि माजनी वाणिया वाटी एक लाइन खेच के सीधी लिखता बा लिपि होती कालांतर में अब भी जुको है वो कोई जुको है वो रोल को नहीं अब आप जो हिंदी लिखण लाग रहे हैं राजस्थानी में किताब छपन लाग रही है। केंद्रीय साहित्य अकेडमी हर साल जो है वो 22 भाषा के एक एक कविया ने सम्मानित करे ठीक है तो बंगी जी है बात बी जो है वो राजस्थानी ने भी एक कवि ने सम्मानित करे जी अब की बार पढ़ लिखेगा कवि राम स्वरूप की सानगी जी को है वो कहानी संग्रह ने अब की बार वो कहानी संग्रह वो सत्यनारायण जी का नाम भी लिखेगा तिखी दार आडा खोड़ी और अब की बार जो है वो नयो आयो एक ही दम मेरे नाम फिसल गयो लिपि की कट्ठी कोई लड़ाई कोई थाने को यहाँ पूछ लेगा हिंदी की कौन सी लिपि है तो देवनागरी है और संस्कृति की कौन सी है देवनागरी है तो आंटी लगा के पटके है संस्कृत देवनागरी में ए कूतरक है ए कूतरक बई लोग करे जका की तो डेढ़ शाणा है ठीक है अपने आपने बड़ा विद्वान माना है वे लोग वहां लोगों पर मैंने बड़ा गुस्सो आवे अब आता है गुस्सो जायज भी है वे बारी बारी कूतरक कहे हुए लहरले मतलब 22 साल के माँ में लिपि खातर लाख बारी बोलिया मैं लाख बारी जो है वो लाखों लाख लोगों ने यहाँ कहे हुए कि संस्कृति की देवनागरी लिपि है और हिंदी की देवनागरी लिपि है दोनों स्वतंत्र भाषा है जो मार लीन देता गिरणी आवे के भाई राजस्थानी देवनागरी लिपि है मैथिली की देवनागरी लिपि है ठीक है 6 भाषा 7 भाषा की तो लिपि देवनागरी है जो मार ली भगत गिरणी आवे के लिपि हरी टाइम कुण कहे लिपि की जो है वो अड़का सी को नहीं दुर्भाग्य तो है कि अठे वो वह लोग नौकरी में या लोक सेवा में उठ गया तथा कथित शाणा लोग जका कठी योग्य को नहीं मतलब जका विधानसभा में लोग बैठे लहरले दिना बिन एक आदमी कुतरक करियो इतो कोजो
वो कूतर क्यों करियो होबा बात में अठे सोशल मीडिया में कह कौन सो ठीक है बारीक बात नाम की किताब है किसान जी की जी केंद्रीय साहित्य अकेडमी अवार्ड मिली है उसकी बार जी को। और एक खास बात में मां लोगों ने सैल्यूट जब उत्तराधे सिवाने से आंदोलन खड़े हुए हो 20-22 साल पहले तो बी टाइम ये खास बात आ है कि पंजाबी भाषी लोग हिंदी भाषी लोग आदर जोग ओम प्रो जी कागज का सुरगा में साथी अनिल जांदू सागे रहा और बहुत सारा साथी सागे रहा मंगे सागा आगे कलेक्टर ने बैठे गए एसडीएम ने उपखंड कार्यालय पर बारी बारी जो है वो राजस्थानी मान्यता गए पक्ष गए मां जो है वो पंजाबी भाषी लोग भी जो है वो समर्थन गए मां आया और मैं जब रथ यात्रा शुरू करी ये बिचारे के रथ यात्रा एक बार आऊंगा भी रथ यात्रा जब शुरू करी तो बिंग मां इन चीज को जिक्र भी आयो है पंजाबी लोग बैठे जो है वो मैथिली मराठी कोंकणी डोगरी संस्कृत हिंदी समेत 8 संवैधानिक भाषाओं की मान्यता देवनागरी लिपि है रूप सिंह जी राजपुरी उन्होंने बहुत राजस्थानी में लिखे हैं पंजाबी भाषी हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उन्होंने इसकी ख्याति प्राप्त की है 8 देशों में बोल गए और बैठे पंजाबी लोग बिंगमा आगे ढोल नगाड़ा बजा गए बिंगमा और छड़ा हक एथे रख छड़ा हक एथे रख छड़ा हक एथे रख ए लगाया जी नारा आबाद राजस्थानी की मान्यता के खातर एक के बात बताऊं सैल्यूट करूं मैं पंजाबी लोग जिका लोग राजस्थानी मान्यता सैल्यूट करता हूं क्योंकि बार बार आपको विनोद जी अंदर से समाचार आ रहा है आपकी माताजी का स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है और कई मित्रों ने मेरे अभी इसमें कमेंट में मैं देख रहा था कह रहे थे कि पगड़ी बड़ी अच्छी लग रही है तो मेरे एक मित्र हैं उनसे मैंने आज चर्चा की और उनका नाम है अंकेश गुप्ता ड्राई क्लीन चलाते हैं तो उनको जब मैंने ये कहा मैंने कहा आज राजस्थानी में प्रोग्राम होगा तो उन्होंने ये मेरे को पगड़ी दी है कि आज ये पगड़ी राजस्थानी पगड़ी पहन करके आप प्रोग्राम करिएगा मेरे को बड़ी खुशी होगी तो उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं अब आपको ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि माता जी को देखना जरूरी है तो अब मैं आपको ज्यादा आगे नहीं खींचूंगा ठीक है सारे साथियों ने राम राम जय राजस्थानी ये कार्यक्रम ने साहब पगड़ी मुबारक मारी पग थारे पगा में साहब और करो कार्यक्रम राजस्थानी जको दूर तक लोग देखे ये पीड़ा ने समझे और एक दिन ही महान भाषा ने मान्यता मिले मैं चालू हारकानी ठीक है रविवार है सहज चर्चा में विनोद स्वामी जी परलिका से हमारे साथ जुड़े थे तो इन्होंने माताजी बीमार हैं इतनी व्यस्तता के बावजूद भी कार्यक्रम के लिए समय निकाला मैं आपका अपनी तरफ से और अपने दर्शकों और श्रोताओं की तरफ से दिल से और आपकी जितनी बड़ी लंबी चौड़ी टीम है उन सब के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं राम 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 राम।